एक्सप्रेस न्यूज़ के कार्यालय और स्टूडियो का हुआ शुभारंभ। बीते लंबे समय से बेबाक पत्रकारिता करते हुए एक्सप्रेस न्यूज़ के नाम आज नई उपलब्धि जुड़ चुकी है। कोटा सदर बाजार में ही जिला उपायुक्त किरण पासी के हाथों एक्सप्रेस न्यूज़ के कार्यालय और स्टूडियो का आज शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के इस मौके पर किरण पासी ने सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी टीम का उत्साहवर्धन किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस न्यूज़ बेहतर अंदाज में काम करती रहे तथा समाज को अच्छा संदेश देने का काम जारी रखे। वहीं आगामी चुनाव को लेकर आम मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि में भयमुक्त होकर सभी अपना मतदान अवश्य कीजिए। वहीं उद्घाटन के मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र मंडल, उपाध्यक्ष बेनू चौबे, बेथल मिशन के संचालक प्रणेश सोलोमन, गणस्थली के समीर दुबे, भारत भारती के प्रलय सिंह, विभिन्न खेलों के सचिव श्री सुरजीत झा भी उपस्थित रहे। मौके पर विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम कर रहे सीनियर रिपोर्टर रंजित राठौड़, हेमचंद्र कुमार, निशांत झा व अन्य उपस्थित नजर आए। सबों ने मिलकर एक्सप्रेस न्यूज को आगे बढ़ने की शुभकामना दी। निशांत भाई मेरे पीछे है, ये मेरी टीम, ये तो मेरा ही परिवार है, हम अपने परिवार का परिचय करा रहे हैं। बाकी आप सब आए, गुंजन आया, धनंजय त्रिवेदी जी तो एकदम से जुड़े हुए हैं, अमित जी है साथ में, और अमित जी हुए, हम दिनेश राय जी हैं, प्रदीप जी पुरुषों के अधिकार के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, तो गप्पू जी है वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं। बाकी बाबा छोटे वक्त में, इतने छोटे से जगह में, इतने छोटे से माहौल में, इतने छोटे चैनल को बड़ा करने का आपको जिम्मेवारी है, और आप इसको कितना बड़ा करते हैं वो आपकी भागीदारी से तय होगी कि और बाकी इसके काम से तय होगा। फिर बड़ा बड़ा बोलने से फिर बड़ा बड़ा चीज छोटा हो जाता है, इसलिए छोटी छोटी बात करके इसको बड़ा बनाना है, हर लोगों तक पहुँचाना है, सबकी भागीदारी है। दिवाकर जी मेरे ख्याल से अभी आज तो बता रहा था कि टेक्निकल है, तो बगैर तकनीक के तो कुछ होता नहीं है, और इनकी तकनीक तो हमारे ख्याल से यहाँ के लोग ज्यादातर लोग देख ही रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस में, खुद हम भी नहीं समझ पाते थे चूंकि हम अपना परिचय नहीं कराए हैं। हमारे बड़े भैया तो रुक जाओ, तो मेरा परिचय है कि पत्रकारिता में मेरा भी नाम ग्रांड ओल्डमैन के नाम से जाना जाएगा कि 2003 से 6 तक आके गुड्डा में ये अपना हम बड़ा ही कर रहे हैं। 2003 में हम आए थे, 6 तक ही टीम में थे और 15 साल से ही टीम में है, 16 साल से। तो बाकी तकनीक की क्या स्थिति है इनसे बेहतर आज, क्योंकि हम खुद भी नहीं सोचते थे कि आज तक हम जानते थे कि स्टूडियो मतलब हैदराबाद होता है, तो मेरा स्टूडियो हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी, लेकिन एक स्टूडियो यहाँ भी इतना अच्छा हो सकता है, एक गोड्डा में भी अमित जैसा एंकर हो सकता है, इतनी अच्छी मतलब इसकी भाषा हो सकती है, इतनी इंग्लिश शब्दों का भी इतना सलीके से इस्तेमाल करता है, ये इतना दुबला पतला शरीर, इतना बढ़िया आर्टिस्ट, ये लोग तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की टीम है, बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छी टीम है, तो बहुत अच्छी उम्मीदें हैं लोगों की आकांक्षाएं भी हैं, और हमें लगता है कि ये लड़के मेरे छोटे भाई, बच्चा तो नहीं कहेगा, पीट देगा, लेकिन ये इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है और ये अच्छा करने की इसमें जिजीविषा भी है और क्षमता भी है, और निश्चित तौर से हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेंगे। बाकी आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका अपनत्व इनके साथ जुड़ा रहे। मैडम, इसी के परिपेक्ष में जैसा कि एक्सप्रेस इसका पंच लाइन भी है, खबर आपकी पहल हमारी, तो कहीं ना कहीं आपके संदेश से मिलता जुलता है, तो एक्सप्रेस न्यूज के लिए जो आपका संदेश है, बहुत बहुत शुभकामनाएं है मेरी एक्सप्रेस न्यूज को, बढ़िया से करें। एक के उपाय के द्वारा उद्घाटन हुआ और काफी जो क्वेश्चन हमने देखा कि इसके माध्यम से आपने जो उपाय महोदया को सीखने का प्रयास था, आपका वहीं से शुरुआत है, ऐसा बात नहीं है, पहले से शुरुआत हो चुका है, कितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया है और देखते आ रहा है, जो बन पाएगा, जो जानकारी है या हम लोगों ने जो 10-12 साल 15 सालों में सीखा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, हमेशा आपके साथ रहेंगे, शेयर करते रहेंगे जहाँ जब जरूरत पड़ेगी, और कोशिश कर भी रहे साथ रहेंगे, खुद के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए कर रहे हैं तो पहले ठीक किए, समझिए फिर प्रयास किए, अच्छी शुरुआत है ये और एक पहला पड़ाव है आपका, और यहीं पे आप रुके नहीं, इससे आगे बढ़े, और जो एक कहावत है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अफसोस के लिए जो कुछ महीने पहले हुआ सड़क पे,
वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता शायद आज ये एक्सप्रेस न्यूज लिखा हुआ यहाँ पे नहीं दिखता यहाँ, तो ये अच्छा है और अच्छी शुरुआत है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और जो सहयोग पहले से बना रहा है वो अभी भी है और आगे भी रहेगा। किसी भी चीज के सफल संचालन के लिए तो पप्पू जी जैसे लोग हों, मीडिया के तीन धनुधर हों, आपने दिल्ली में बहुत बढ़िया काम किया, राठौर साहब लंबे समय से यहाँ दिखते रहे और चैनल जी की तो बात ही कहें, जिनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हो और जिनके पास पूरे प्रखंडों में इतनी सामर्थ्यवान समर्पित लोगों की टीम हो, मेरा विश्वास है कि ये एक्सप्रेस न्यूज राष्ट्रीय स्तर का चैनल बन के उभरेगा। ये जो सबसे कठिन मीडिया से जुड़ा होने के कारण, लंबे समय तक मीडिया को समय देने के कारण, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है रिपोर्टाज, और मैंने शुरू में ही देखा था कि जो रिपोर्टाज की क्वालिटी होती है, किसी भी समस्या के समाधान कैसे आए और उससे एक अच्छा बेहतर समाधान कैसे लिखने, ये इनका पहला प्रयास था और यहीं से शुरू होता है जो गुड्डू जी कह भी रहे थे कि हम लोगों ने पहले आशुतोष जी और हम लोगों ने एक रोड का जो मुद्दा था इसको उठाने के लिए सोशल मीडिया ग्रुप क्रिएट किया था। संयोग बस इसमें 20,000 मेंबर इमीडिएट मुझे लगता है कि 2-3 महीने में ही हो गए थे। लगा क्या कि आशुतोष जी से ज़्यादा कॉल मुझे ही और व्हाट्सएप पर लगा कि यहाँ समस्या है, वहाँ समस्या है, ऐसा है, वैसा है। तो फिर हम लोगों ने निर्णय किया था कि एक न्यूज चैनल ही क्यों ना अलग कर दिया जाए, क्योंकि शुभकामना है आपके इस मंजिल को पा सके और मेरा हमेशा आशीर्वाद आप सब के साथ है। आप सब को धन्यवाद और ये सब एक्सप्रेस न्यूज अमित और आशुतोष दोनों हो, कुछ भी कह सकते हैं, अपार असीम अनंत अखंड इनकी प्रतिभा है और मुझे सौभाग्य है इन लोगों को पूर्व से बचपन से जानने का। तो किसी न्यूज सोशल मीडिया किसी न्यूज चैनल चलाने के लिए जो पहली आवश्यक शर्त है वो है कि इम्पार्शियलिटी, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी का किसी के लिए पक्ष या विपक्ष, निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के अगर कोई न्यूज चैनल चलता है तो वाकई वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। गोड्डा में जिन्होंने एक्सप्रेस न्यूज का व्यवस्था और करजाली किया, इनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसा हिम्मत, ऐसा जोश, ऐसा जज्बा, ऐसा कोई नहीं रिलेशन के मतलब नहीं है, इनके अंदर वो तमन्ना है, सोच है कि हम ऐसा करके दिखाएं। हम यही कहना चाहेंगे एक्सप्रेस न्यूज का जितना भी टीम है, आप एक कीड़ा का भी न्यूज एकदम साफ सुथरा निकालिए और सबसे ज्यादा उम्मीद करेंगे न्यूज एक्सप्रेस को कि आपका पंचायत में भी मेंबर रहे वो आपको न्यूज बतावे, ब्लॉक में रहे, 24 जिला में रहे और एक मुख्यालय रांची भी रहे। हम देख रहे हैं कि इन लोगों का चैनल एक नेशनल चैनल की तरह, नेशनल तो नहीं लेकिन एक जिला का चैनल हो गया है कि हर एक शहर में इनका संवाददाता उपस्थित है और हम कभी कभी इसके पास रहते हैं, अधिकतर टाइम हमको लगता है 1 घंटा जरूर सुबह सुबह बीतता है तो फोन आएगा, कहाँ चले ये मना अपने चैनल को, ये न्यूज है जल्दी जल्दी लाओ जल्दी लाओ, उसको निकालेंगे। तो खैर ये बातें अलग है, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग जो भी है खुल के छापिए, कहीं भी करप्शन है तो किसी के दबाव में मत आइए। आप चूंकि चौथे स्तंभ हैं और आपकी भूमिका हमेशा विपक्ष की होती है, अगर आप पक्ष में ही हो जाएंगे हमारे ही पक्ष में आ जाएंगे, हम तो सरकार में, अगर आप हमारे ही पक्ष में आ जाएंगे तो हमारा शहर सुधर नहीं सकता है। जब तक आप हमारे निगेटिव को नहीं दिखाएंगे तब तक हमें सुधार नहीं हो सकती है। एक पत्रकार बंधु हमारे पास आए थे, बोले कि आप हमारे साथ ऐसा कीजिए नहीं तो हम उस गली के गंदे को छापेंगे। तो हम बोले कहाँ है गंदा बताइए, आप उसको जल्दी छापिए, क्योंकि हम जाने और हम उसको जल्दी से साफ कर दें। आप उसको निकालते रहिए, हम पर डे उसको साफ करते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम ही शहर की गंदगी को साफ करना।